इंटीग्रेशन का एक टाइप है, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक सेकंड के अंदर में। हमेशा याद रखिएगा कि रूट के अंदर में, नीचे में डिनोमिनेटर में अगर रूट है और रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर हमें न्यूमरेटर में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है, जैसे टेन एक्स अंडर रूट ऑफ टेन एक्स है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है जो कि ऊपर में गिवन है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे टू टाइम ऑफ रूट टेन एक्स, यही इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। क्या किया है हमने, जो नीचे की जो क्वांटिटी थी जो रूट में थी उसका डेरिवेटिव ऊपर चेक किया, ऊपर में डेरिवेटिव अवेलेबल है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टू टाइम अंडर रूट ऑफ रूट टेन एक्स, ठीक है। देन यहां पर देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर में अवेलेबल है, रूट के अंदर साइन एक्स है तो यहां पर भी हम डेरिवेटिव क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अवेलेबल है ऊपर में, तो सीधा हम लिख देंगे टू टाइम रूट साइन एक्स प्लस सी। सेम हियर कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स, तो यहां पर इस रूट के अंदर की क्वांटिटी का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो हम सीधा लिख देंगे टू टाइम रूट कॉट एक्स प्लस सी। देन यहां पर देखिए सेक एक्स का अंडर रूट ऑफ सेक एक्स जो नीचे में गिवन है अंडर रूट ऑफ सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे टू टाइम रूट ऑफ सेक एक्स। यहां पर देखिए ये इंटीग्रेशन निकालने के लिए लॉग एक्स अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स गिवन है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाय एक्स होता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं वन अपॉन एक्स ऊपर में क्या अवेलेबल है वन अपॉन एक्स अवेलेबल है, इसे मैं ऐसे लिखू या वन बाय एक्स ऐसे लिखू बोता सेम थिंग, तो यहां पर भी क्या होगा टू टाइम रूट लॉग एक्स प्लस सी। थैंक यू।